तो गाइस पार्सल आ चुका है हमारी ईयरबड्स और अब हम लोग इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारी फ्लिपकार्ट से आ चुकी है टिगर की गेमिंग ईयरबड्स और हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखेंगे कि ये ईयरबड्स जो कि मैंने 799 के लिए हुए हैं ऑफर लगा के, तो ये अब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, इसका हम लोग रिव्यू देंगे। तो चलिए बने रहिए। डिटेल कंपैरिजन के लिए मेरे पास है मेरे ओप्पो के एनको बड्स जो कि मैं अप्रॉक्स 2 ईयर्स हो चुके हैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो गाइस ये है बॉक्स और सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि सील पैक है कि नहीं है। तो फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग प्रॉपर लगी हुई है, तो अब इसको हम लोग अनबॉक्स कर बॉक्स पैकेजिंग तो गजब है, अच्छी लगी बॉक्स पैकेजिंग मुझे इसकी। बॉक्स की पैकेजिंग सॉलिड है, मतलब कि प्राइस रेंज के हिसाब से ट्रिगर बहुत अच्छी पैकेजिंग दे रहा है और ये देख के मैंने इसको लिया था। मतलब बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है ईयरबड्स का, है तो गेमिंग ईयरबड्स इसलिए थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन रहता है। और थोड़े से बॉक्स स्पेसिफिकेशंस पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। लो लेटेंसी है इसमें 14 ms तक की, तो जो कि गेमिंग के लिए बहुत सही रहता है। और क्वाड माइक है इसमें और डिज़ाइन भी अच्छा हुआ है। IPX4 की वाटर रेजिस्टेंस है और डिजिटल बैटरी इंडिकेटर तो बेसिक है, बेस बूस्टेड है। ओके, और टच कंट्रोल रहते हैं ये सब ईयरबड्स में इसमें भी है। और एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन इसमें एक नई टेक्नोलॉजी डाल के दी गई है। बेसिक मैं बताऊँ तो बेसिक नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर ही होगा इसमें, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको प्योर नॉइज़ कैंसिलेशन देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो इस प्रकार सा पैकेजिंग है और मॉडल नंबर इसका X1 है, ट्रिगर कारकिन X1। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं ओपन। सो यहाँ से हम लोग ब्रांड का चिट हटा के इसे करते हैं ओपन। वाओ वाओ, मैं इसकी पैकेजिंग को मैं सही बताऊँ इसको मैं 10 में से 9 दूंगा पैकेजिंग रेटिंग। थैंक यू, यू चूज टू हैशटैग गेट ट्रिगर एंड एंजॉय 1 ईयर वारंटी। ओके, सो हमें 1 ईयर की वारंटी मिल चुकी है जिसे हम लोग स्कैन करके, और क्या लिखा हुआ, गेट 10% ऑफ फर्स्ट परचेज यूजिंग ट्रिगर कोड। ओके, और पैकेजिंग अच्छी है। क्यों कैमरामैन, पैकेजिंग अच्छी नहीं है? पैकेजिंग अच्छी है, कैमरामैन भी हमारे दीदी बोल रही है पैकेजिंग अच्छी है। पैकेजिंग बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी है गाइस, मैं इंप्रेस हो गया हूँ गाइस इसकी पैकेजिंग से। और यहाँ पे हमको एक केबल मिलती है जो कि ठीक है, साइज लेंथ ठीक है केबल की, ऐसी कैसी गुड है। और टाइप सी केबल यहाँ पे हमको प्रोवाइड की गई है, टाइप सी केबल प्रोवाइड की गई है, तो हम इसको साइड रखते हैं। इसके अंदर आई थी केबल, वाह गुड गुड ट्रिगर यू गुड बेल। ओके, देन इसको साइड रखते हैं। और हमें कुछ ईयर बड्स दिए हुए हैं इसके, तो आई थिंक 4 ईयरबड्स हैं, तो इसको हम लोग बाद देखते हैं। ओके, नाउ मेन थिंग जो कि इस फोम के अंदर बहुत ही अच्छे से पैक करके रखी गई है जो कि हमारी टिगर की ईयरबड्स, इसको हम लोग निकाल लेते हैं और इस बॉक्स को लेते हैं साइड में। एज यू कैन सी ये है हमारी ईयरबड्स। वाह 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 गाइस, लुक एट दिस। थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक, एज यू कैन सी गाइस वाह, कितना यूनिक डिज़ाइन है। मतलब देखिए, और पहले सबसे पहले लुक एंड फील बताना चाहूँगा मैं, सॉलिड गाइस सॉलिड, मतलब कि आपको कहीं से चीप लगेगी नहीं, चीप प्लास्टिक तो लगी नहीं सकती, बहुत ही प्रीमियम प्लास्टिक लग रही है, मैट फिनिश में है। और यहाँ ट्रिगर की आपको ब्रांडिंग दिख जाती है, मैट फिनिश में तो जल्दी गंदी नहीं होगी और बहुत ही सॉलिड लग रही है। मतलब हाथ में जो फील होती है, जैसे मैं आपको अगर दिखाऊँ अपनी ईयरबड इसमें और ये मैट फिनिश में, लेकिन जो इसका लुक एंड फील है ना गाइस, जो होल्ड करने में सॉलिड जो उसकी प्लास्टिक फील होती है, वही मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, इसको साइड में रखते हैं अपने हैंड कवर्स को। और ऐसी ऐसी गाइस यहाँ पे एडिटिंग इंडिकेटर दिया हुआ है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये कितनी चार्ज है। और यहाँ पे भी लाइट जलती है इसमें, और ये भी यहाँ पे हमको बैटरी इंडिकेटर है, लेट्स चेक कि सो हम लोग इसको ओके ओके चल गए, 70% चार्ज है। और ऐसा मैंने देखा था कि ये चार्ज होने पर ये लाइट भी रंग बिरंगी इसकी आँखों जलती है। अच्छा, और ट्रिगर इनको बोलता है कि ये आउल डिज़ाइन है आँखों का, वैसे दिख भी रहा है आउल डिज़ाइन, तो बहुत ही प्रीमियम है इनका। और भी आते हैं जो कि एक स्नेक डिज़ाइन में आता है, लेकिन ये आउल डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा था।
एज यू कैन सी ज़्यादा लाइट वेट है, अच्छे हैं, पॉकेट में फिट भी हो जाएंगे। तो हम लोग अब इसकी साउंड टेस्ट करते हैं गाइज। तो गाइज जो ईयरबड्स हैं कान में आप इसकी फिटिंग देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी कान में फिटिंग है ठीक है, मतलब कि अगर आप इसको पहन के थोड़ा जॉगिंग वॉक करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एज सच मैं बोलूँ तो फिटिंग मेरी जो ओप्पो एनको बड्स है उससे मुझे कम ही अच्छी लग रही है, बट फिटिंग प्रॉपर है क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, हो सकता है मेरे को आदत नहीं इस तरह लंबी वाली जो ईयरबड्स की लगाने की, क्योंकि मेरी जो ईयरबड्स की साइज़ है कान मेरे जो ओप्पो बड्स हैं कुछ इस साइज़ में आते हैं, कुछ कान के अंदर तो फिट जाते हैं। सो हो सकता है इस कारण मेरे को लग रहा हो, बट मैं बोलूँगा फिटिंग बहुत प्रॉपर है इसकी, और यहाँ पर टच कंट्रोल्स भी हम लोग को मिल जाते हैं। अच्छा अगर आप इसको टच करेंगे ना, उससे बटन नहीं है कोई, लेकिन आप अगर इसको टच करेंगे तो आपको टिक टिक की आवाज़ आएगी, जब भी आप इसको टच करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि बटन दब चुका है। तो ये मुझे बहुत अच्छी फीचर्स में लग रहा है। सो गाइस मैं इसको अगर फुल पे अगर सुनता हूँ सॉन्ग को, तो जो बेस इसका एवरेज है, और ज़्यादा कि ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते साउंड क्वालिटी, क्योंकि अब मेरे को तो आदत है इनसे अच्छे गाने सुनने की, तो मेरे को तो लग रहा फील हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही सही है बिल्ड क्वालिटी इसकी, और सॉन्ग की क्वालिटी आ रही वो भी ठीक है, लेकिन बेस थोड़ा मुझको लो लगा। अगर और पैसे लगा के खरीदा जाए तो और अच्छे ईयरबड्स ले सकते हैं, बट इस प्राइस रेंज में बहुत ही बेस्ट है।